नरगिस आंटी, खुदा हाफिज नहीं करके जाओगे? एक चीज सोच रहा था मैं, आपके पापा आपसे कुछ नहीं छुपाते हैं ना, अभी कुछ दिनों पहले भी जो बात हुई। हाफिज। वेलकम टू माय चैनल अपडेट्स अबाउट एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे कहूंगी कि बाकी बात बाद में करते हैं, क्यों ना आपसे एक छोटी सी फेवर ली जाए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की एपिसोड 9 के बारे में। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फजल बख्श यानी जो हकीकत में शामिर है, वो शिब्रा के दिल में जगह बनाना तो चाहता ही है, साथ साथ शिब्रा से जुड़े हर रिश्ते को बहुत इज्जत और एहतराम देता है। जैसा कि आपने देखा कि सुकैना का रिश्ता बड़े ही नाजुक मोड़ पर है और शामिर सुकैना को अपनी बहन से कम नहीं समझता। वह सुकैना का घर बचाने की पहले भी कोशिश कर चुका है जो कि बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अब आने वाली एपिसोड में वो फिर से एक और कोशिश करेगा। वह जुहैब और सुकैना की फुफ्फो नरगिस को किडनैप करवाएगा और इनको डरा धमका कर मनाने की कोशिश करेगा, जिससे वो दोनों माँ बेटा मान भी जाएंगे। जुहैब तो पहले ही सुकैना को छोड़ने को राज़ी नहीं था, अपनी माँ के मजबूर करने पर माना था, लेकिन अब शाहमीर दोनों को कन्वेंस करेगा। दूसरी तरफ हारून की बेटी जो शाहमीर की बचपन की दोस्त भी है, वो दिन ब दिन शाहमीर के लिए पोसेसिव होती जाएगी, जबकि शाहमीर इसमें ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो लड़की आगे चलकर शामिर के लिए बड़ा मसला क्रिएट करेगी। उधर शिब्रा भी फजल बख्श यानी शामिर में इंटरेस्ट लेने लगी है, जो कि शामिर भी फील कर रहा है और इस बात से काफ़ी खुश भी है। आगे भी नेक्स्ट एपिसोड के बारे में जानने के लिए देखते रहिए अपडेट्स अबाउट एवरीथिंग। तो ये थी आज की वीडियो। डियर व्यूअर्स, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मजीद नई वीडियोज़ के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।